नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरियंट से देश में आ सकती है कोरोना की नई लहर, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। त्योहार में जहर का तड़का, घास पत्थर गुड़ के शीरे से बनाया जा रहा नकली जीरा, दिल्ली में 4,198 किलो से ज्यादा नकली जीरा जब्त। बिजली बंटवारे की नई योजना बना रही सरकार, केंद्र राज्यों के बीच बढ़ेगी तकरार। खड़गे के सामने गहलोत पायलट विवाद सबसे बड़ी चुनौती, बुलाई जा सकती है विधायक दल की बैठक। कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने वालों की आईशामत, कर्नाटक राज्य की पुलिस काटेगी मोटा चालान। भारतीय सेना का कमाल, अब दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर भी मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। मारुति सुजुकी की गाड़ियां भी होगी फ्लेक्स फ्यूल इंजन से लैस, 2023 तक खत्म हो जाएगी डीजल पेट्रोल भराने की टेंशन। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 30 जून 2022 तक दर्ज सभी केस होंगे वापस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं को दी गई राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता, धर्मेंद्र प्रधान। महंगाई पर सरकार का प्रहार, अब दाल आयात करने के बाद 1 माह से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकेंगे जमाखोर। हिमाचल चुनाव, एक परिवार एक टिकट पर भाजपा सख्त, धूमल का टिकट काट दूसरे दलों को परिवारवाद पर घेरने की तैयारी। तुरंत बंद कर दीजिए जूम ऐप पर मीटिंग, नहीं तो हो सकता है बड़ा खतरा, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। और गिरेगा रुपया, दिसंबर तक छू सकता है 84.50 का स्तर, सर्वे में बोले बैंकर्स और अर्थशास्त्री। दिवाली से पहले बेहद सस्ते दामों पर मिलेगा प्याज, केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कर्नाटक में अब छात्रों को पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, स्कूलों व कॉलेजों के नए सत्र में होगा शामिल। एक मंच पर शरद पवार और एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र सीएम का इशारों में उद्धव ठाकरे पर तंज, उठ सकती है कुछ लोगों की रातों की नींद। मोदी सरकार ने यूपी बिहार और एमपी सहित कई राज्यों के किसानों को दी बड़ी सौगात, बरौनी खाद कारखाना में शुरू होगा यूरिया का उत्पादन। मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों की कैसी है स्थिति, पता लगाएगी सरकार। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा चिंता मत करिए ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 लाख जॉब्स के लिए पीएम मोदी कल लॉन्च करेंगे रोजगार मेला, 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। अब भाजपा ने भी शुरू की विशाखापट्टनम से 15 दिवसीय प्रजा पोड़ू यात्रा, जगमोहन रेड्डी सरकार को बताया विफल। दिल्ली और छठ पर टिकटों की किल्लत होगी दूर, पटना समेत कई रूटों के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। लोगों को सांस लेने दे, मिठाइयों पर खर्च करिए पैसे, दिल्ली में पटाखा बैन पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जम्मू कश्मीर में पहली बार वोट डालेंगे पाक शरणार्थी, पाकिस्तान से आए 5400 परिवारों को 68 साल बाद जमीन का हक मिला। जेपी नड्डा कल लेंगे राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की क्लास, गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर विरोध की बनेगी स्ट्रेटजी, गुटबाजी पर मांगेंगे जवाब। प्रशांत किशोर का दावा, एनडीए में फिर शामिल होंगे नीतीश, बोले मुख्यमंत्री लगातार भाजपा के संपर्क में हैं, कभी भी वापसी कर सकते हैं। भारत में भी गूगल फेसबुक के एकाधिकार पर लगाम की तैयारी, आईटी मंत्रालय कदम उठाने पर तेजी से कर रहा काम। ये हमें जेल भेजेंगे, हम इन्हें स्कूल भेजेंगे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर कसा तंज। भारत जल्द ही लाएगा राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022, G20 में देश के पर्यटन स्थलों को शोकेस करने का अहम अवसर। वायुसेना से हटेंगे MiG-21 विमान, अभिनंदन ने इसी पर सवार हो पाक F-16 को किया था धराशायी। DTC बस में ट्रांसजेंडर की मुफ्त हो यात्रा, केजरीवाल सरकार 4 माह में ले फैसला दिल्ली हाईकोर्ट। ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए गहलोत का मास्टर प्लान, जल्द ही बनेगा महात्मा ज्योतिबा फूले आयोग। अब आएगी चावल की महंगाई, त्योहारी सीजन में बिगड़ सकता है किचन का हिसाब। घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बुरी खबर, आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है सीमेंट। महाराष्ट्र के किसानों का 964 करोड़ का कर्ज माफ, शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा दिवाली गिफ्ट। सीएम योगी की मोहन भागवत से 1 घंटे तक मुलाकात, धर्मांतरण समेत इन मसलों पर चर्चा। महंगाई में सस्ती हुई सरिया, पिछले 2 महीने में 7,000 रुपये प्रति टन तक की गिरावट आई, पूरा करे अपने ड्रीम होम का सपना।
यूपी में 4800 किलो नकली मावा पकड़ा, दिवाली पर थी खपाने की तैयारी 4 दबोचे। केमिकल खाद से जल्द ही मिलेगा छुटकारा, सरकार शुरू करेगी पीएम प्रणाम स्कीम। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में पंजाब नाकाम, केंद्र सरकार ने जताई चिंता। रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात करके भारत को हुआ 35,000 करोड़ रुपए का लाभ। खुशखबरी, दिवाली पर सरकार खिलाएगी सस्ती थाली, 8 रुपए किलो घटाया दाल का रेट। देश में बढ़ रहा रक्षा उत्पादन, राजनाथ बोले 2025 तक 1.8 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य। बिहार के स्कूलों में जल्द ही शुरू होगा नो बैग डे, बस्ती का बोझ कम करने पर जोर। 5 राज्यों में चुनाव के लिए भाजपा ने जुटाए थे 900 करोड़ रुपए की बड़ी बचत, केवल 200 करोड़ खर्च किए। नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, कंपनी ने कहा OTT प्लेटफॉर्म ही फ्यूचर, पासवर्ड शेयरिंग से हमें नुकसान। मान सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन, केजरीवाल ने बताया ऐतिहासिक। दिल्ली में पटाखे बेचने और फोड़ने वालों की खैर नहीं, 5,000 तक का जुर्माना और 3 साल की कैद, कई टीमें गठित। 20 करोड़ से ज्यादा नकद चंदा नहीं जुटा पाएंगे राजनीतिक दल, चुनाव आयोग ने की सिफारिश। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में जताया जीत का भरोसा, कहा अगले CM को लेकर आला कमान करेगा फैसला। कल तक जहरीली होगी दिल्ली की हवा, खराब रहेगा AQI, कोयला लकड़ी जलाने पर बैन। मछली पालकों को केंद्र की सब्सिडी का नहीं करना होगा इंतजार, देरी पर राज्य सरकार देगी 2 लाख रुपए तक की सुविधा। आधार कार्ड में होगा बड़ा बदलाव, हर 10 साल पर अपडेट करा सकेंगे बायोमेट्रिक्स डिटेल। विलुप्त तालाबों की तलाश के लिए गांवों के राजस्व रिकॉर्ड खंगालेगी सरकार, केंद्र ने सभी राज्यों से किया अनुरोध। पीएम श्री योजना के तहत यूपी के 1780 सरकारी विद्यालयों का होगा कायाकल्प, तैयार हुआ प्लान। हरियाणा में भी दिवाली पर पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, CM खट्टर ने सिर्फ ग्रीन पटाखे की दी अनुमति। बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पास, केंद्र पर दुरुपयोग का लगाया आरोप। प्राचीन प्रथा को भूल गए लोग, मंदिरों में करें गौ पूजा, नई पीढ़ियों को भी सिखाए, कर्नाटक सरकार का निर्देश। एंटीबायोटिक्स मन मर्जी से खाना पड़ेगा भारी, डॉक्टर की सलाह के बिना लेते हैं तो हो जाए अलर्ट, किडनी हो सकती है खराब। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो मारुति सुजुकी की गाड़ियां भी होगी फ्लेक्स फ्यूल इंजन से लैस, 2023 तक खत्म हो जाएगी डीजल पेट्रोल भराने की टेंशन। जी हाँ, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ समय पहले वाहन निर्माता कंपनियों को फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बनाने का अनुरोध किया था। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। अभी हाल ही में गडकरी ने भारत में पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को भी लॉन्च किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इस बात की पुष्टि की है कि मार्च 2023 तक E20 ईंधन का अनुपालन करने के लिए इसके पूरे मॉडल रेंज को बदल दिया जाएगा। इस बदलाव के साथ मारुति की सभी गाड़ियां 20% इथेनॉल मिश्रित ईंधन या E20 ईंधन के साथ चल सकेगी। सरकार की परियोजना है कि देश में 2022 तक 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग और 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में पंजाब नाकाम, केंद्र सरकार ने जताई चिंता। जी हां, केंद्र ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार ने खेतों में आग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। दिल्ली NCR में पराली जलाने के मुद्दे पर एक अंतर मंत्रालय बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब सरकार राज्य में खेत की आग को रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। अक्टूबर और नवंबर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के पीछे आसपास के राज्यों में धान की पराली जलाना एक प्रमुख कारण है। गेहूं और सब्जियों की खेती से पहले फसल के अवशेषों को जल्दी से हटाने के लिए किसान अपने खेतों में आग लगा देते हैं, जिसके बाद प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरियंट से देश में आ सकती है कोरोना की नई लहर, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। जी हां, पिछले कुछ महीनों से देश में कोविड से हालात सामान्य हो रहे थे, उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही लोगों को इस खतरनाक बीमारी से निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बीते कुछ दिनों में ही देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के 2 नए सब वेरियंट्स दस्तक दे चुके हैं। ओमिक्रॉन का सब वेरियंट XB 5 राज्यों में फैल चुका है। वहीं BA.7 वेरियंट के केस की भी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने पुष्टि की है। चीन और अमेरिका में यह कहर बरपा चुके हैं, अब भारत में भी ये दोनों वेरियंट मौजूद हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में कोविड के केस बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरियंट अन्य वेरियंट्स की तुलना में तेजी से फैल सकते हैं। ये वैक्सीन की इम्यूनिटी को भी चकमा दे रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई पर सरकार का प्रहार। अब दाल आयात करने के बाद एक माह से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकेंगे जमाखोर। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई और जमाखोरी के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि फेस्टिवल सीजन में दाल और प्याज की कीमतें नहीं बढ़ेगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया है कि देश में इनका पर्याप्त भंडार मौजूद है। केंद्र सरकार कीमतों की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को लेकर सिंह ने बताया है कि कोई भी व्यापारी विदेश से मंगाई दालों को एक महीने से ज्यादा वक्त तक अपने पास होल्ड नहीं कर सकता। सरकार का कहना है कि दाल आयातकों को सीमा शुल्क के आधार पर निजी गोदामों में जमाखोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार ने एक गाइडलाइंस दालों की कीमतों पर काबू पाने के लिए जारी किए हैं। सिंह ने कहा है कि उनके विभाग की खाद्य तेल, दाल, चाय, चीनी सहित 22 आवश्यक चीजों के दामों पर नजर है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।